हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान मोती धुनगना जी के इस कमेंट को। धन्यवाद श्रीमान धुनगना जी आपके इस कमेंट के लिए। आपने लिखा है पेंशन पॉलिसी। अब आपने ये नहीं लिखा कि किस तरीके का पेंशन प्लान, आपने ये भी मेंशन नहीं किया कि कौन सा पेंशन प्लान। तो इस वजह से आज की वीडियो में हम टोटली 100% रिस्क फ्री पेंशन प्लान की बात करेंगे और जानेंगे पूरी डिटेल। अब बिना समय गवाए सीधा प्लान की बात करते हैं। प्लान का नाम है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ये एक हार्डकोर पेंशन प्लान ही है जिसकी बैकिंग जो है सरकार के द्वारा है। मतलब जो भी आप पैसा लगाएंगे सरकार उसकी गारंटी देती है कि 100% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आपको मिल जाता है। और ये प्लान ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही मोड में आपको मिल जाता है और LIC के माध्यम से आप आसानी से इसको ले भी सकते हैं। ये प्लान नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग है। इसका मतलब आप जो प्रीमियम दे रहे हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होगा, तो टोटली यहाँ पे रिस्क फ्री हो जाता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इसका मतलब पहले से ही निश्चित दर यहाँ पे बताई जाएगी आपको और उसी दर से आपको पेंशन मिलेगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कम से कम एज होनी चाहिए 60 साल, अधिकतम एज की कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी का टर्म है 10 साल का, राइट। अब हम जानते हैं कि मिनिमम पेंशन लिमिट यहाँ पे कितनी है। मंथली अगर आप चाहते कि आपको पेंशन मिले तो 1,000 रुपये, क्वार्टरली 3,000 रुपये, क्योंकि आपको यहाँ पे मोड चूज करने होंगे, राइट। मंथली या क्वार्टरली, अगर हाफ ईयरली चाहेंगे तो 6,000 रुपये, और ईयरली अगर आप चाहते कि साल में आपको एक बार पेंशन मिले तो 12,000 रुपये। ये मिनिमम पेंशन लिमिट है, ठीक है। मैक्सिमम पेंशन लिमिट की बात करें तो अगर आप चाहते हैं कि मंथली मोड में आपको पेंशन मिले तो 9,250 रुपये, अगर आप चाहते हैं तिमाही आपको पेंशन मिले 27,750 रुपये, अगर आप चाहते हैं छमाही आपको पेंशन मिले तो 55,500 रुपये, और अगर आप चाहते हैं कि सालाना मिले तो 1,11,000 रुपये का यहाँ पे मैक्सिमम पेंशन का लिमिट है। अब इसी के साथ में इसमें परचेज प्राइस का भी लिमिट है। अगर आप मंथली मोड में पेंशन चाह रहे हैं तो मिनिमम परचेज प्राइस होगी 1,62,162, क्वार्टरली चाहेंगे तो 1,62,074 रुपये, और अगर आप चाहते हैं मतलब छमाही चाहते हैं मतलब हाफ ईयरली चाहते हैं तो 1,59,574, और सालाना 1,56,658, ठीक है। ईयरली का मतलब है कि ईयरली पेंशन चाह रहे हैं तो। और मैक्सिमम परचेज प्राइस का लिमिट है, अगर आप चाहते हो कि मंथली पेंशन मिले तो 15,00,000 रुपये, अगर आप चाहते हो कि तिमाही आपको पेंशन मिले तो 14,89,933 रुपये, अगर आप चाहते हो छमाही आपको पेंशन मिले तो 14,76,064 रुपये, अगर आप चाहते हो सालाना आपको पेंशन मिले तो मैक्सिमम परचेज प्राइस का लिमिट है 14,49,000 से थोड़ा ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं पेंशन के रेट की। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ईयरली पेंशन मिले और आपने ये मोड सिलेक्ट किया होगा तो 1,000 रुपये पे 76,60 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब 7.66% आपका जो परचेज प्राइस होगा उस पर आपको इस हिसाब से पेंशन मिलेगी। ये रेट ऑफ रिटर्न हो गया या इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। अगर आप हाफ ईयरली चाहेंगे तो 7.52, तिमाही चाहेंगे आप मतलब क्वार्टरली चाहेंगे तो 7.45, और मंथली मोड आपने लिया होगा कि आपको पेंशन मंथली मिले तो 7.40% की दर से आपको पेंशन मिलेगा। अब ये जो रिटर्न है ये गारंटीड है। पहले ये 8% के आसपास 8% ही हुआ करता था जब हमने किसी को प्लान सजेस्ट किया था। अब थोड़ा सा इसमें कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो दूसरे प्लान अवेलेबल है उनसे तो इमीडिएट पेंशन के तौर पर ज़्यादा ही है। मेच्योरिटी बेनिफिट पे आपको जो परचेज प्राइस है आपकी वापस मिलेगी लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ में। अगर प्रीमियम टर्म आप मतलब पॉलिसी टर्म, प्रीमियम टर्म नहीं, आई एम सॉरी, पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ होगी तो जो आपकी परचेज प्राइस है वापस हो जाएगी। 3 साल अगर हो गए हैं पेंशन प्लान लिए हुए तो 75% तक लोन जो मिल जाएगा आपको आपकी परचेज प्राइस का। सरेंडर वैल्यू इसमें 98% है। अगर आप सरेंडर करना चाहते हो तो 98% आपको आपकी वैल्यू वापस मिल जाएगी। फ्री लुकअप पीरियड 15 दिन का है। अगर ऑनलाइन आपने प्लान नहीं लिया है, ऑनलाइन लेंगे तो 30 दिन का आपको फ्री लुकअप पीरियड मिलता है। अब मेरी यहाँ पे ओपिनियन है, ये प्लान सीनियर सिटीजन के लिए मार्केट में बहुत ही सही है। मेरे को तो ये सही लगता है, राइट। तो अगर कोई लेना चाहता है तो इस प्लान को ज़रूर देख सकता है क्योंकि इमीडिएट पेंशन का जो रिटर्न है वो सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट किया। आपके कमेंट की वजह से हम इस प्लान के बारे में बात कर पाए। इसी तरीके से प्रश्न करते रहें, दूसरों को भी समझाएं, खुद भी समझें कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।